दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस। मैं ऑलरेडी मैथ और रीजनिंग का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ अपने चैनल पांडे गुरुजी को, तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। मैं टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, जो भी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने प्रोवाइड किया नोटिफिकेशन में कि कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन में आएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं। आप आर्ट्स का स्टूडेंट है या कॉमर्स का स्टूडेंट है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। आपको एडवांस लेवल पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस स्टूडेंट है तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि रेलवे ने इस साल जीके सेक्शन हटा दिया है। जीके मीन जनरल नॉलेज, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सबसे क्वेश्चन आते थे वो हटा दिया है। तो रेलवे में जो इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जीएस आएगा, जनरल साइंस। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। ये सारे क्वेश्चन और जो होंगे वो टॉपिक होंगे 10 स्टैंडर्ड का। आपको 12 स्टैंडर्ड का भी नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस में। तो फिजिक्स में हम आपको बताएंगे किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हर टॉपिक का आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आप साइंस का स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बट कोई जो रेलवे का तैयारी कॉमर्स लेकर पढ़े हैं, इंटर में या आर्ट्स लेके पढ़े हैं, या जो मैट्रिक पास किए हुए हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिट है। तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं, आपको सोल्यूशन ज़रूर देंगे। तो अब हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों आज चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स का क्वेश्चन मैं आपको पार्ट बाय पार्ट प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल साइंस से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप रेलवे के साथ SSC का भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक ही SSC में भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, सोलर सिस्टम, मैकेनिक्स, न्यूटन लॉ, ये सब जो भी लॉ है वो भी सब पूछे जाते हैं। लिक्विड्स, लिक्विड साउंड, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सैटेलाइट, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में होगा एटॉमिक एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, कॉस्मोटिक एक्सरे, विजिबल स्पेक्ट्रम। आपको टॉपिक में वीडियो एक आपको हिंदी में भी बताऊंगा। इस टॉपिक जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं उनको हिंदी से अलग से बताऊंगा। तो ये आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये इंग्लिश में है तो आप बेसिकली इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो हिंदी में बोल रहा हूँ, उसका ट्रांसलेट करके मैं आपको हिंदी में बताते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट जहाँ पे फिजिक्स स्टार्ट होता है वो है वर्क। तो सबसे पहले आप कोई भी चीज़ का वर्क टॉपिक का आप उसका डिफिनेशन जानना चाहिए, आपको उसको समझना चाहिए, उसका SI यूनिट क्या है, उसका कोई भी कन्वर्सेशन है। तो ये सारे टॉपिक में रेलवे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेलवे का एग्जाम में बेसिकली आपको डिफिनेशन लिखने को नहीं बोला जाएगा कि व्हाट इज़ द वर्क, व्हाट इज़ द एनर्जी। आपको क्या होगा, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स होता है, या आपको बोल दिया कि फोर्स एक्टिंग ए बॉडी इज एबल टू एक्चुअली मूव इट थ्राउ सम डिस्टेंस इज कॉल्ड वर्क, एनर्जी, पावर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसके डिफिनेशन को पता होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझा होना चाहिए। तो सबसे हम लोग आज पहले स्टार्ट करते हैं वर्क से। तो वर्क वर्क इज ए इज सेड टू बी डन इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज एबल टू एक्चुअली मूव इट थ्राउ सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन इज ऑफ फोर्स। द SI यूनिट इज जूल।
मीन सपोज एक बॉडी है, ए बॉडी है, इसको फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, तो सपोज ये बॉडी मूव होके यहाँ पे मूव होता हो जाता है, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, वो मूव होके यहाँ पे आ जाता है। तो वही बोल रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज एबल टू एक्चुअली मूव इट फ्रॉम सम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या हो, ए बॉडी यहाँ से मूव होके यहाँ पे आया, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मीन जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जाता है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क। तो ये वर्क का बेसिकली डिफिनेशन है, और जिसमें फोर्स लगा के जिस बॉडी पे जिस डायरेक्शन में मूव किया जाता है उसको हम लोग वर्क बोलते हैं, द एसआई यूनिट इज जूल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो कभी कभी एग्जाम में आता है द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, उसमें चार ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दे देगा, तो उसमें एक जूल रहेगा, तो आपको जूल को टिक मार्क करना है। उसके बाद है एनर्जी। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इसका यूनिट क्या है, ये जूल है। तो ये बेसिक टॉपिक आपको लाइन बाय लाइन समझिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनने की चांस है, इसीलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, ताकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको बहुत अपने से क्वेश्चन बना सकें, आपको अपने नोटपैड लिखे निकालने हैं, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको क्वेश्चन बना के अपने कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि इन फ्यूचर में एग्जाम के समय आपको रीड करने से इजी रहेगा। तो आप इस टाइप से जो भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। देखते हैं, द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी इन द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल टाइम, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या है कि द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी इन ऑल एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बनने की चांसेस है। उसके बाद देखते हैं पावर। पावर पावर इस यूनिट इज वाट। तो आपको सब सभी का यूनिट बार बार मैं आप रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट याद करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा यूनिट ऑफ हुआ कि जूल, द यूनिट ऑफ एनर्जी है जूल, द पावर यूनिट इज वाट। इसीलिए मैं आपको एक नोट्स में पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बनाऊँ, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, आप मक्खन खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक वाट आवर, इसमें भी क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द 1 वाट आवर, तो 366 जूल, या समझिए 466 जूल, इस टाइप का ऑप्शन दिया रहेगा। तो 1 वाट आवर इजकल टू 3600 जूल, 1 किलो वाट आवर इजकल टू 3.6 × 10^6 जूल, 1 HP इजकल टू 746 वाट। तो ये बेसिकली पावर का जो है उसका मापने का एक है कि 1 वाट कितना होता है, तो इसको बेसिकली आप इतना रट लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट और कुछ कॉन्सेप्ट। ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी इज ए फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। मीन्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बनने का चांस है। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ए ग्रेविटी एंड वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि जो ग्रेविटी सा है उसका वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। एक्सेलेरेशन बेसिकली हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घर्षण। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है शेप साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। मीन्स कोई बॉडी का शेप सपोज ए है
तो ये टोटली डिपेंड करता है कि उसका शेप क्या है बॉडी का। आगे देखते हैं, एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट जस्ट क्रॉस द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर रिटर्न। एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस इज, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एस्केप वेलोसिटी कितना होता है एट द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो भी क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे उसको नोट डाउन करें और ये समझने की कोशिश करें। इसके वेलोसिटी एट द मून सरफेस इज 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके वेलोसिटी मून पे कितना होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, बट इसके वेलोसिटी अर्थ पे कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मून और अर्थ का दोनों से आपको अलग अलग याद करना है। वैल्यू ऑफ द डिक्रीज विद द हाइट एंड डिपार्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो वैल्यू होता है वो जी क्या होता है वो डिक्रीज करता है हाइट एंड डिपार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो भी हाइट है उसके, जी जब मैक्सिमम कहाँ पे होता है पोल्स पे, मिनिमम कहाँ पे होता है इक्वेटर पे, डिक्रीज ड्यू टू रोटेशनल ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशनल के चक्कर में क्या होता है कि डिक्रीज करता है जी, डिक्रीज इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीज एंड द इंक्रीज इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इज डिक्रीज। यहाँ पे देखिए डी मीन्स ग्रेविटेशन, डिक्रीज इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीज, ऑपोजिट है एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है जी डिक्रीज कर रहा है। इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, इफ इंक्रीज इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इज डिक्रीज, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने का चांस है कि क्वेश्चन आता है कि इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इज डिक्रीज देन जी विल बी इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम समथिंग लाइक, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है अर्थ का स्पीड ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, देन क्या हो रहा है जी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो उसका वाइस वर्सा हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। द एक्सेलरेशन मीन्स क्या, घर्षण ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून, मून में कितना 1/6 दैट ऑफ द अर्थ का तुलना करें तो 1/6 मून पे होता है। सो द वेट ऑफ ए पर्सन ऑन द सर्फेस एट द मून विल बी 1/6 ऑफ द एक्चुअल वेट ऑफ द अर्थ। तो सपोज कोई भी अर्थ पे उसका 60 केजी है वेट, तो वो मून पे जाएगा तो उसका वेट कितना हो जाता है इसको 10 केजी, तो 1/6 का ये कम हो जाता है मून पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्सेलरेशन जो वेटेज होता है वो कितना पार्ट कम हो जाता है मून पे, तो कितना होता है 1/6, वो क्यों होता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण मून पे क्या होता है वेट कम हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अर्थ के तुलना में कितना वेटेज कम होता है, तो 1/6 होता है, और वो क्यों कम होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण है। तो देखते हैं नेक्स्ट और कुछ कॉन्सेप्ट। देखते हैं कुछ सैटेलाइट के बारे में, सैटेलाइट के बारे में आपको पता ही होगा, जैसे इंडियन में इसरो वर्क करता है, यूएस मार्केट में नासा जो बहुत ही बड़ी है ऑर्गेनाइजेशन संगठन है। तो सैटेलाइट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। तो सैटेलाइट होता क्या है, तो सैटेलाइट आर नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लानेट अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सैटेलाइट क्या होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियली बॉडी होता है। नेचुरल जो नेचुरली है, आर्टिफिशियल मीन जो भी इसरो और नासा ने जो लॉन्च करता, आप बहुत से न्यूज़ में सुने होंगे कि नासा ने ये लॉन्च किया, इसरो ने ये लॉन्च किया। तो बेसिकली जो सैटेलाइट द यूज होता है, जो भी हम लोग टेम्परेचर मापने के लिए यूज करता है, मैं जितना भी टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रहा है सारे विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट से होता है। आप नेटवर्क से मोबाइल से बात करते हैं, आप टीवी यूज करते हैं, आप जो भी गूगल का मैप देखते हैं, तो ये सारे जो पॉसिबल हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो सैटेलाइट से हो रहा है।
तो सैटेलाइट से एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो इससे भी बहुत से क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। तो देखते हैं कि कुछ और पॉइंट। मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट वाइट, मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, वाइल INSAT बी इज ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो ये नाम दिया हुआ जो भी डेवलप करता है, जो सैटेलाइट भेजता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो भी संगठन द्वारा, तो उसका एक यूनिक नाम दिया जाता है, क्योंकि ये मैनुअली बना के सैटेलाइट को भेजा जाता है इसको, इसलिए उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, घूमना, ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 hour 24 minutes, मीन्स 1 hour 24 minutes। तो ये द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसका वैल्यू कितना है, 1 hour 24 minutes। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट हाइट ऑफ 36,000 kilometers अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू भी कभी कभी आ जाता है। द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 hours। तो ये भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो कितने है, घंटे का है, वो 24 hours का है। द अर्थ रोटेशनल ऑन द एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, द अर्थ रोटेट ऑन द ईस्ट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द रोटेशनल मेक द सन एंड द अपीयर टू बी द मूविंग अराउंड द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द अर्थ रोटेट ऑन ईस्ट एक्सिस फ्रॉम कहाँ से मूव होता है, WE, वेस्ट टू ईस्ट, सो इसके कारण सन का जो स्टार अपीयर होता है वो अक्रॉस द स्काई में कहाँ से मूव होता है, ईस्ट टू वेस्ट में। ए जियोसिंक्रोनियस सैटेलाइट इज ए सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनियस ऑर्बिट विथ ए ऑर्बिट पीरियड द सेम एज द अर्थ रोटेशनल पीरियड। मैं आपको इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा कि एक अराउंड 20-30 क्वेश्चन सैटेलाइट से, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो आपको इस सैटेलाइट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कुछ देख रहे हैं सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट, तो देखते हैं नेक्स्ट। ए स्पेशल केस ऑफ जियोसिंक्रोनियस सैटेलाइट इज द जियोसिंक्रोनियस सैटेलाइट विच हैज द जियोसिंक्रोनियस ऑर्बिट, ए सर्कुलर जियोसिंक्रोनियस ऑर्बिट डायरेक्टली मूव फ्रॉम द अर्थ इक्वेटर। तो बेसिकली जो ये मूव होता है वो कहाँ पे ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट पे मूव होता है, अर्थ इक्वेटर पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अभी आपको बता रहे थे कि हम लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो टीवी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज टू टेलीकास्ट, जो भी टेलीकास्ट होता है उसमें क्या यूज होता है, कौन सा सैटेलाइट यूज होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एग्जाम में आ जा सकता है कि टेलीकास्ट के लिए कौन सा सैटेलाइट यूज करते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। टीवी प्रोग्राम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अनदर इन वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी और वेदर माप करने के लिए भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज कर सकता है। इन प्रिडक्शन ऑफ फ्लड एंड ड्राउटर, फ्लड मीन्स कोई सुनामी आता है या तूफान आता है, तो इस सब को पहले हम लोग को चेतावनी दे दी जाती है, तो ये सारे पॉसिबल कैसे होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के जरिए ही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, तो एग्जाम में इसमें आने का क्वेश्चन का चांस ज़्यादा है। तो दोस्तों जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है, तो उसको नोटपैड में लिख लें और उसको अच्छे तरह से VVI लगा लें, ताकि आप जब एग्ज़ाम में पढ़ेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रिडक्शन ऑफ द फ्लोट किससे मापा जाता है, किससे पता लगा जाता है, कौन सा सैटेलाइट के बारे में, तो आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टिक मार्क करना है। नेक्स्ट देखते हैं, पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द पोलर ऑर्बिट एट द हाइट ऑफ 800 kilometers अप्रॉक्सीमेटली, द टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट इज 84 minutes। पोलर सैटेलाइट क्या होता है, तो पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व मीन्स घूमना अराउंड द अर्थ इन द पोलर ऑर्बिट,
तो पोलर का नाम से सुनते ही पोलर ऑर्बिट पे आपको याद रखना है। तो ऐसे एक एक ट्रिक्स है कि कैसे याद करना है। क्वेश्चन में आ सकता है कि पोलर सैटेलाइट कि कहाँ पे घूमता है अर्थ पे, तो पोलर ऑर्बिट पे घूमता है। तो आपको डिस्टेंस 800 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 800 समथिंग दिया है, तो उसको भी टिक मार्क कर सकते हैं। जो टाइम पीरियड ऑफ दिस सेटेलाइट 84 मिनट, कितना टाइम पीरियड होता है 84 मिनट। तो बेसिक दोस्तों बेसिक आपको होप आपको सेटेलाइट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं कुछ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो, क्योंकि एक भी टॉपिक मिस हो जाएगा तो आप उसका क्वेश्चन कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी एक कॉन्सेप्ट पता हो जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, तो आप मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में पार्ट वाइज में वीडियो बना रहा हूँ, तो पार्ट नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ और टॉपिक के बारे में बताऊंगा और दो वीडियो और बनाएंगे कुछ और टॉपिक के बारे में। उसके बाद इम्पोर्टेंट MCQ बनाएंगे, आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए और वहाँ पे देखिए कि आपको कॉन्सेप्ट के समझ में आया क्या नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।